इन सारे विकारों को जो साधक, जो विवेकवान पुरुष अंतर से तोड़ता है, धर्म के प्रति समर्पित होता है, आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ता है, वही संसार के दुखों से मुक्त होता है। दूसरी बात गुरुदेव ने कही, मद को दूर करना। मद अहंकार है, अहम करना, घमंड करना, और आदमी सांसारिक वस्तुओं के निमित्त से अहंकार करता है, जो उपलब्धियां बाहर से होती हैं उनका अहंकार करता है। जैन दर्शन में हुए एक महान ज्ञानी महापुरुष आचार्य समंत भद्रदेव, उन्होंने जीवों के अंतर में होने वाले इस अहंकार और मद के रूप को स्पष्ट करते हुए कहा है, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल मृद्धिम तपो वपु अष्टावाश्रित्यमानित्यम स्मय माहुर्गत स्मया। ये जीव अगर मात्र पक्ष का भाग मजबूत है, दृढ़ है, जाति का मद करने लगता है। पितृ पक्ष का विभाग मजबूत है तो कुल का मद करने लगता है। थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, शास्त्रों से पढ़ लिया, सत्संग में बैठकर सीख लिया, कुछ याद कर लिया, कुछ कंठस्थ कर लिया, मानने लगता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। ज्ञान का मद आ जाता है, लेकिन ये सब अज्ञानी जीवों को होता है, जिन्होंने अपने आत्मस्वरूप को जाना उन्हें कोई भी मद नहीं होता। बाहर से जो ज्ञान प्राप्त करता है व्यक्ति, उसका अहंकार करना ज्ञान मद है, क्योंकि ये ज्ञान कभी भी छूट सकता है। ये बौद्धिक ज्ञान है, ये चयोपसम ज्ञान है, ये सीखा हुआ ज्ञान है, लेकिन अंतर से प्रकट हुआ ज्ञान एक बार प्रकट होता है फिर सादी अनंत काल तक कभी भी उसका अभाव नहीं हुआ करता। अंतर से प्रकट हुआ आत्मज्ञान सदैव शाश्वत बना रहता है। अहंकार आदमी की बहुत बड़ी कमजोरी है। प्राप्त वस्तुओं का अहंकार करना, अभिमान करना, पैसा हो गया तो मैं धनवान हूं, धन का मत करने लगता है, और ये भूल ही जाता है कि आज मैं धन का अहंकार कर रहा हूं, अगले ही समय आयु का अंत आएगा तो ये अहंकार भी धरा रह जाएगा, और जिसका अहंकार कर रहा हूं वो भी धरा रह जाएगा। धन धरा का है, धरा पर ही धरा रह जाएगा। धन धरा का है, धरा पर ही धरा रह जाएगा। मुट्ठी बांधे आया है तू कर पसारे जाएगा। भूल जाता है आदमी कि मैं जिस धन का अहंकार कर रहा हूं ये धन यहां का यहीं रह जाने वाला है। ऐश्वर्य मिल गया उसका अहंकार करने लगता है, शरीर का रूप मिल गया इसका अहंकार करने लगता है, और ये ख्याल ही नहीं रहता कि जिस शरीर के रूप का मैं आज अहंकार कर रहा हूं धीरे धीरे करके शरीर का रूप विकृत ही होना है। टिकाऊ क्या रहने वाला है? क्या जाति रहेगी कि कुल रहेगा, कि धन रहेगा, कि रूप रहेगा, कि ऐश्वर्य रहेगा? कौन सी चीज यहां टिकने वाली है? संयोग जितने भी हैं ये सब वियोगाधीन है। संयोगा नाम वियोगश्च, स्वरूप है ये संयोगों का, और ये अज्ञानी प्राणी मद करता है, अहंकार करता है, कुछ रिद्धि हो गई उसका अहंकार करने लगता है, कुछ शिल्प कला हाथ में आ गई उसका अहंकार करने लगता है। ऐसी कितने सारी चीजों के अहंकार से मन भरा रहता है,
और जिन जिन वस्तुओं का अहंकार करता है, ये कोई भी वस्तुएं शाश्वत नहीं रहती, ये सारी की सारी वस्तुएं विनाशीक हैं जिनका ये मद करता है। संत तुलसीदास जी ने एक बड़ी छूने वाली बात अपने रामचरितमानस में लिखी है, अज्ञानी जीवों की ओर संकेत करते हुए, सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति होने पर मदांध हो जाते हैं, ऐसे जीवों की ओर संकेत करते हुए लिखा है, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभु ता पाई जाहि मद नाही। ऐसा कौन आदमी पैदा हुआ है संसार कि जिससे प्रभुता मिले और उसे अहंकार ना हो, प्रभुता की प्राप्ति होने पर अहंकार ना होना, ये केवल एक ही जीव को हो सकता है और वो जीव होगा आत्मज्ञानी पुरुष। अज्ञानी जीवों को तो मद ना हो ये संभव ही नहीं है, लेकिन जो जान लेते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं देह से भिन्न हूं, तो जब मैं देह से ही भिन्न हूं, फिर देह के साथ जो प्राप्त संयोग हैं ये मेरे कैसे होंगे और इनका अहम मैं करूंगा, इनसे मुझे क्या लाभ होने वाला है। इसलिए ज्ञानी को कोई अहंकार नहीं होता। आत्मज्ञ पुरुष अहंकार से परे होता है, आत्मानुभवी ज्ञानी साधक इन सारे विकारों से ऊपर उठ जाता है, जबकि अज्ञानी संसार की माया मोह में लिप्त पुरुष निरंतर अज्ञान के कारण सांसारिक वस्तुओं का अहंकार कर करके मद में चूर बना रहता है। काम कुछ भी नहीं आता, संसार तृण की तरह छूट जाता है, तिनके की तरह छूट जाता है। जिन जिन वस्तुओं का जीव अहंकार करता है वे सब देखते ही देखते मिट जाती हैं। अभी भूकंप का एक झटका आ जाएगा, सब स्वाहा हो जाएगा। कौन सी चीज का मद करते हो? आज है उपलब्धि, कल समाप्त हो जाने वाली है, ये संयोगों का अहंकार करना बहुत बड़ी भारी भूल है जी। मद नशा है, मद एक प्रकार का नशा है। आदमी नशे में चूर रहता है, धन के नशे में, पद के नशे में, जाति के नशे में, कुल के नशे में, रूप के नशे में, बल के नशे में, बौद्धिक ज्ञान के नशे में उन्मत्त रहता है। इसी का नाम मद है। और जिन जिन वस्तुओं का यह आदमी मद करता है, ये सब आत्महित में बाधक हैं। आचार्य गुरुवर तारण तरण मंडलाचार्य महाराज जगत के लिए महान उपकारी संत थे, जिन्होंने प्राणी मात्र के लिए, समूचे मानव समाज के लिए अंतरंग के इन सारे विकारों को दूर करके संसार के दुखों से मुक्त होने का पथ प्रशस्त किया। मिथ्यात्व मद मोह रागादि खंडन, कि जो जीव देहाभिमान रूप मिथ्यात्व की मान्यता को तोड़ते हैं, इस मद के नशे से ऊपर उठ जाते हैं, इस अहंकार को तोड़ते हैं, मोह के बंधन को तोड़ते हैं, कुछ भी मेरा है ऐसा मानना मोह है, कुछ भी मेरा है ये मान्यता मोह है। और भगवान कुंदकुंद आचार्य देव ने लिखा है कि जीव ज्ञान दर्शन स्वरूप है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ज्ञान दर्शन मई चेतना के अतिरिक्त इस जीव का एक तिल तुष्मात्र भी इसका नहीं होता। ये तो आचार्यों के करुणामय वाक्य हैं। हम सारे जीवों को
अंतर से झकझोर कर जगा देने वाले वचन हैं। और संतों की ऐसी झकझोर कर जगा देने वाली ये मंगलमय वाणी को सुनकर भी अगर हम मोह की मूर्छा में सोए रहे, मोह की निद्रा में सोए रहे, जागेंगे कब? फिर इस जीवन को प्राप्त करने का लाभ क्या है? इन सारे सुभियोगों की उपलब्धि करने का फायदा क्या है? संसार से तो एक दिन जाना ही है, यहां कोई भी जीव अजर अमर होकर नहीं आया। अमरत्व का मार्ग बना ले तो अवश्य संसार के जन्म मरण से छूटकर परम पद की प्राप्ति कर सकता है। श्री गुरु तारण तरण मंडलाचार्य महाराज संपूर्ण जगत के जीवों के लिए ये मंगलमय मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं कि संसार के दुखों से छूटना है तो अपने आत्मस्वरूप की दृष्टि होना आवश्यक है। विपरीत मान्यताएं, मन की मिथ्या धारणाएं, अहंकार, अपनत्व की कल्पनाएं या किसी वस्तु में इष्ट और अनिष्ट की मान्यताएं, ये सब राग द्वेष आदि के विकार हैं। इन सबको जो जीव खंडम खंड खंड करता है वही आत्मज्ञ पुरुष है, वही सम्यक दृष्टि है, धर्मात्मा है, आत्मानुभवी है और वही जीव तत्वार्थ का श्रद्धानी साधक होता है। मनुष्य जन्म में हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है अपने आत्मस्वरूप की साधना करने का। इस जन्म को साधनामय बनाएं, ज्ञान ध्यान में बनाएं, आत्म कल्याण में बनाएं, यही संसार के दुखों से छूटने का उपाय है। यही परम वीतरागी संत आचार्य गुरुवर श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य महाराज का हम समस्त जगत के जीवों के लिए परम पावन संदेश। जय तारण तरण।